हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ना इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये कन्फर्मेशन करनी है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट का रिचार्ज आप कराते हैं ना, उसे आपको पहले तो चेक करना है कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे फोन का इंटरनेट जो है वो काम नहीं करता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपको कंफर्मेशन करनी है। अब देखिए, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती थी कि हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, कभी कभार ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन का इंटरनेट काम नहीं करता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। तो आपका अगले पेज में ना नीचे की साइड ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट पर टैप करना है। तो आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर एक कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर 3 डॉट पे टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको है ना रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। तो आपको नीचे रीसेट APN सेटिंग का पेज आएगा, इसमें आपको नीचे रीसेट पे टैप करना है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं। तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपका फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करना है। इसके अंदर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता तो आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना, जिससे आपके फोन के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके फोन के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।